ओम शांति। हम सभी कुछ न कुछ सपने लेकर चलते हैं। हर एक का अपना एक ड्रीम होता है, मुझे ये अचीव करना है, ये प्राप्त करना है। लेकिन कई बार हम जो चाहते हैं ना, उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और मेजॉरिटी टाइम्स उसका कारण हमारे अपने संस्कार, हमारी अपनी सोच, अपनी आदतें। तो अगर हम जो चाहे वो प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल, सबसे पहले हम जो चाहते हैं वो बात हमारे मन में बहुत क्लियर हो। मुझे क्या अचीव करना है, मेरा क्या ड्रीम है, वो एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो। दूसरा, जो हम चाहते हैं उसे दृढ़ता के साथ हम उसके ऊपर प्लान करें, एक्शन लें, दृढ़ता के साथ उसके लिए मेहनत करें। अच्छा, वो जो संकल्प है ना, उसे भी बहुत डिटरमिंट, बहुत दृढ़ता के साथ करें, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता माना रोज रोज उस संकल्प को, उस थॉट को रिपीट करें, रिवाइज करें। चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, लेकिन हम अपने संकल्प पर बहुत एकाग्र चित्त हो जाए। और एक अच्छी बात, हम दूसरों की बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, लोगों के ओपिनियन, हम अपनी अप्रूवल्स लोगों से लेने की कोशिश करते हैं। उनके अप्रूवल के आधार पर हम अपनी सक्सेस को या फेल्योर को उसको डिफाइन करते हैं। उनकी ओपिनियन के आधार से हम अपना माइंडसेट बनाते हैं। प्लीज स्टॉप दिस। आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है, आपकी मेहनत है। और इसलिए हाँ, जो इसमें आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं, आप जरूर उनके गाइडेंस के आधार पर चले, लेकिन लोगों के अप्रूवल के आधार पर अपनी यात्रा को फिक्स ना करें, ना उसे छोड़ें। आपको जो करना है वो आप करते जाए। तीसरा, उमंग उत्साह से अपने आप को भरपूर रखें। कभी हो सकता है हम जो कर रहे हैं उसमें कभी हम फेल हो जाते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कई बार काफी धैर्यता की परीक्षा हो जाती है। कई बार तो ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा सब कुछ छोड़ दें, कुछ नहीं करना। लेकिन ध्यान में रखना, यह वही पल है जहां से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। और इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए सदा अपने आप को उमंग उत्साह से भरपूर रखना। मेरा उमंग उत्साह मैं खुद अपने अंदर भर सकता हूं। और इसलिए अपने मन को बहुत सुंदर विचारों से भरपूर करें। मेक इट श्योर एवरी डे आई एम एनर्जेटिक, आई एम एंथुजियास्टिक, क्योंकि ये उमंग उत्साह ही आपको सफलता दिलाएगा। ये उमंग उत्साह आपसे हर चैलेंज को सामना करने की शक्ति दिलाएगा। तो इस उमंग उत्साह के साथ साथ और एक बात का ध्यान रखें, हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों की पहचान कठिन समय में ही होती है। हर कठिन समय, हर परीक्षा की घड़ी हमारे अंदर की सुप्त शक्तियों की हमें पहचान करा के देता है। और इसलिए घबराइए नहीं है चैलेंज को, उसको जब चैलेंज के अंदर आप है, उसे फेस कर रहे हैं, तो ध्यान में रखें, हर चैलेंज आपके अंदर की शक्तियां, गुण, इसको वो विशेष रूप से
प्रसिद्ध कर रहा है। वो चैलेंज आपके अंदर की शक्ति को ललकार रहा है, पुकार रहा है। अगर इस प्रकार से हमने हर चैलेंज को देखा तो ऑटोमेटिक हम शक्तिशाली बनेंगे। और हाँ, जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए एक अच्छी आदत डालें। आज तक जो कुछ मिला है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करें और आगे की यात्रा को, जर्नी को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये खुशी ही सफलता को खींच के लाएगी, ये खुशी सफलता दिलाएगी। तो अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर आप जो चाहे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। सिर्फ दृढ़ निश्चय बुद्धि बनकर रहिए, उमंग उत्साह की मूरत बनिए, धैर्यता को फॉलो कीजिए और जो आपने मार्ग चुना है उस पर डटे रहे, क्यों दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो आज सारा दिन आप दृढ़ रहेंगे ना। हैप्पी डे।